हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद रेखा यादव। आज हम डिस्कस करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस की मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पोर्शिया के बारे में। पोर्शिया, जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियोज में कैरेक्टर के बारे में, मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताया था और समरी के बारे में, तो उससे आप लोगों को पोर्शिया के बारे में पता चल गया होगा। तो आज हम पोर्शिया के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोर्शिया द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, पूरा प्ले इसी के ऊपर आधारित है। तो अब हम देखते हैं पोर्शिया के कैरेक्टर्स की कुछ क्वालिटीज। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पोर्शिया है कौन। तो पोर्शिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्शिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोर्शिया सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत सुंदर स्त्री है। इन हर पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में। बी फाइंड, हम देखते हैं ए ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड इंटेलेक्ट। उसकी पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में हम सुंदरता और बुद्धिमानी का सामंजस्य देखते हैं। क्या है? उसकी पर्सनालिटी में सुंदरता भी है और बुद्धिमानी भी है। तो सुंदरता और बुद्धिमानी दोनों का समन्वय हम उसकी पर्सनालिटी में देखते हैं। उसके बाद आता है हर पर्सनालिटी की, कैसी है उसकी पर्सनालिटी। पोर्शिया हैज बोथ मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज। पोर्शिया हैज, पोर्शिया के पास है बोथ माने दोनों, मास्कुलाइन पुरुषों के गुण एंड फेमिनाइन क्वालिटी और स्त्रियों के गुण। तो पोर्शिया में पुरुष और स्त्रियों दोनों के गुण हैं। हर मास्कुलाइन क्वालिटीज आर, उसके पुरुषों वाले गुण हैं। शार्प विट, शार्प विट माने तीक्ष्ण बुद्धि। इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी। बोल्डनेस बहादुरी। एंड सेंस ऑफ हॉनर और आत्मसम्मान की भावना, सम्मान का बोध। तो पुरुषों के उचित, जो पुरुषों के गुण हैं वो कौन कौन से हैं उसकी पर्सनैलिटी में। हर मास्कुलिन क्वालिटीज आर, उसके पुरुषों वाले गुण हैं। शार्प बीट तीक्ष्ण बुद्धि, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, बोल्डनेस बहादुरी और सम्मान की भावना, उसके पुरुषोचित गुण हैं। हर फेमिनिन क्वालिटीज आर, उसके नारियों वाले गुण हैं, उसके स्त्रियों वाले गुण हैं। स्वीटनेस मधुरता, मॉडेस्टी शालीनता एंड लॉयल्टी और वफादारी। मधुरता शालीनता और वफादारी उसके स्त्रियों वाले गुण हैं। तो यहाँ हमने देखा पोर्शिया की पर्सनैलिटी में कि पोर्शिया में स्त्री और पुरुषों के दोनों गुण हैं। उसके बाद आते हैं हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता। पोर्शिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द प्ले। पोर्शिया इस नाटक की, पोर्शिया प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की सबसे सुंदर स्त्री है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई हर ब्यूटी। प्रिंस ऑफ मोरक्को वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, बहुत अधिक प्रभावित हुआ था बाई हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से। वो इतनी सुंदर है कि मोरक्को का राजकुमार उसकी सुंदरता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। तो ये क्या है, पोर्शिया इस प्ले की सबसे सुंदर लेडी है। टू सी हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देख करके बैसेनियो फॉल्स लव विद हर, बैसेनियो को उससे प्रेम हो जाता है। बैसेनियो जब उसे पहली बार देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है, तो उसे उससे प्रेम हो जाता है। वैष्णव को पोर्शिया से प्रेम हो जाता है। उसके बाद है हर विट, उसकी बुद्धिमानी या उसकी चतुराई, बात करने की चतुराई। पोर्शिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ड्राइव सीन। पोर्शिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, पोर्शिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ट्रायल सीन। ट्रायल सीन में, ट्रायल सीन कौन सा है, कोर्ट का जो सीन है उसमें पोर्शिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इन द कोर्ट, कोर्ट में पोर्शिया चेंज द प्ले इनटू ए कॉमेडी। पोर्शिया
प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस को एक कॉमेडी में बदल देती है बाय हर स्पीच ऑन मर्सी। मर्सी के ऊपर अपनी स्पीच देकर के पोर्शिया पिले जो ट्रेशी बना हुआ था, एंटोनियो का मांस निकाला जाने वाला था, तो प्ले क्या था, ट्रेजिक बन गया था हमारा, उसे वो कॉमेडी में चेंज कर देती है। ट्रेजिडी और कॉमेडी में अंतर है। ट्रेजिडी जिसका दुख में अंत हो और कॉमेडी जिसका अंत सुख में हो। तो पोर्शिया पिले का अंत जो ट्रेजिडी में होने वाला था, दुखांत होने वाला था, उसे सुखांत में बदल देती है बाय हर स्पीच ऑन मर्सी। मर्सी के ऊपर अपनी स्पीच दे करके वो इस प्ले को कॉमेडी में चेंज कर देती है। सी सेज वह कहती है, अब मर्सी के ऊपर वो क्या कहती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। मर्सी की क्वालिटी, दया की भावना हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते, ये तो स्वर्ग से वर्षा की तरह पृथ्वी पर गिरती है। दया की भावना स्वर्ग से वर्षा की बूंदों की तरह मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है, इसे हम किसी के मन में जबरदस्ती उत्पन्न नहीं कर सकते। सी डिस्क्यूसेस हरसेल्फ एज ए लॉयर, डिस्क्यूसेस वेश धारण करती है, वो अपना एक वकील का वेश धारण करती है, एंड सेव्स द लाइफ ऑफ एंटोनियो, और एंटोनियो के जीवन को सेव्स माने बचाती है। पोर्शिया क्या करती है, एक वकील का वेश धारण करती है और एंटोनियो के जीवन को बचाती है, कोर्ट में बहस करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब क्या है, पोर्शिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान है, पोर्शिया है सेल्फ कॉन्फिडेंस, पोर्शिया में आत्मसम्मान बहुत अधिक है। थ्रू हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, थ्रू माने द्वारा, अपने आत्मसम्मान के द्वारा सी डिफीट्स साइलोक, वो साइलोक को परास्त करती है, साइलोक को हराती है। कोर्ट में पोर्शिया अपने आत्मविश्वास के साथ ही साइलोक को हराती है। ब्यूटीफुल, कर्तव्यपूर्ण, पोर्शिया क्या है, बहुत अधिक ब्यूटीफुल है। पोर्शिया है जे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑनर, पोर्शिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस, एक मजबूत भावना है ड्यूटी की, कर्तव्यपरायणता की, एंड ऑनर और सम्मान की। पोर्शिया के अंदर सम्मान और कर्तव्यपरायणता की भावना बहुत अधिक है। सी नोज, वो जानती है वेरी वेल द सीक्रेट ऑफ द कास्केट्स, कास्केट्स माने डिब्बे, जो उसके फादर ने कास्केट रखे हुए थे तीन, उनके रहस्य को वो अच्छी तरह से जानती है। बट सी डज नॉट टेल एनीथिंग टू वैसेनियो अबाउट इट, लेकिन अपनी कर्तव्यपरायणता के कारण वो एंटोनियो से इनके बारे में कुछ भी नहीं, वैसेनियो से इनके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो पोर्शिया बहुत ड्यूटीफुल है, उसे कास्केट के रहस्य के बारे में पता है, लेकिन वो वैसेनियो से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। इससे हमें क्या प्रतीत होता है, इससे हमें पता चलता है कि पोर्शिया बहुत अधिक ब्यूटीफुल है, बहुत अधिक न्यायप्रिय है। पोर्शिया इज द स्वीटेस्ट हीरोइन ऑफ द प्ले, पोर्शिया सबसे अच्छी हीरोइन, सबसे स्वीटेस्ट हीरोइन है इस प्ले की। सी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड इंटेलेक्ट, वो सुंदरता और बुद्धिमानी का सामंजस्य है, कॉम्बिनेशन है बुद्धिमानी और सुंदरता का। तो ये था हमारा पोर्शिया का कैरेक्टर। बोर्ड के एग्जाम में इस प्ले में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये 8 नंबर का होता है, तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगी। कैरेक्टर्स इसमें 4-5 हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।